बच्चों, जब हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि नेचर ने हर चीज़ को कैसा बनाया है, मैग्नेटिक बनाया है। मतलब हमारे रूम में जितना भी ऑब्जेक्ट है या नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, सारे मैग्नेटिक हैं। पर फिर हमने ये भी बताया था कि सारे एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते, आयरन ही मैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा शो करता है, बाकी नहीं करते। तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि नेचर ने हर चीज़ को मैग्नेटिक बनाया, कैसे बनाया, कोई बच्चा बताएगा? बताओ जी, नेचर ने हर चीज़ को मैग्नेटिक कैसे बनाया? हाँ बताओ अच्छे, नेचर ने हर चीज़ को मैग्नेटिक बनाया है कैसे? मैग्नेटिक कैसे बनाया है? आप बताओ अच्छी, नेचर ने हर चीज को मैग्नेटिक ऐसे बनाया है कि हर चीज एटम से बनी हुई है। किससे बनी है? एटम से बनी है। जब मैं पूछता हूँ तो जवाब देते नहीं हो, इधर देखो। नेचर ने हर चीज को, नेचर में हर चीज, इधर देखो जी, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब चीजें किससे बनी है? एटम से। एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। कोई भी आप एटम लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हर एटम में इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है मूविंग चार्ज। क्या होता है? मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिज्म। मतलब कि हर एटम का बिहेवियर मैग्नेटिक होता ही होता है, चाहे हाइड्रोजन, चाहे हीलियम, चाहे लिथियम, चाहे बेरिलियम, चाहे बोरोन, चाहे कार्बन, कोई भी आप ले लो। बट एक्चुअल में क्या है कि फिर ऐसा क्यों कि ओवरऑल कोई एक सब्सटेंस की आप बात करो, आयरन वगैरह, तो आयरन वगैरह मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है बट बाकी सब्सटेंस मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करते। तो वो अब हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे बच्चों कि नेचर ने तो हर चीज़ को मैग्नेटिक बनाया है बट फिर किन कारणों की वजह से कोई कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक शो कर रहा है, कोई कोई सब्सटेंस मैग्नेटिक नहीं है। क्योंकि नेचर ने हर चीज़ को मैग्नेट ऐसे बनाया है कि हर एलिमेंट एटम से बना हुआ है और हर एटम में इलेक्ट्रॉन घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मूविंग चार्ज। क्या होता है? मूविंग। जो हमारा फोर्थ चैप्टर का नाम क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसका मतलब ये होता है जब कोई चार्ज मूविंग होता है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता ही करता है। और हर एटम में मूविंग चार्ज, हर एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? रुके हुए होते हैं, चल रहे होते हैं, चल रहे होते हैं। तो हर एटम में मैग्नेटिक इफेक्ट होता ही होता है। अब बात ये आती है कि किसी किसी में ज़्यादा मैग्नेटिज्म शो हो रहा है, जैसे आयरन वगैरह, और किसी किसी में कुछ नहीं हो रहा है, ये क्यों है? तो इस बिहाफ पे बच्चे हम जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तीन, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हाँ अच्छे, ठीक है अच्छे, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम लोग, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है। इधर देखो बच्चे, एक होते हैं डाया मैग्नेटिक, एक होते हैं पैरा मैग्नेटिक, एक होते हैं फेरो मैग्नेटिक। जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डाया, पैरा और फेरो। अब इनका जो रीज़न है कि ऐसे क्यों है, हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। डायमैग्नेटिक कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, फेरोमैग्नेटिक कौन से होते हैं। हर एलिमेंट कोई ना कोई कैटेगरी में लाई करता ही करता है। देखो बच्चे, डायमैग्नेटिक एलिमेंट वो होते हैं जो मैग्नेटिज्म के दुश्मन होते हैं, मैग्नेटिज्म के दुश्मन। मतलब दोस्ती तो छोड़ो, दुश्मनी। जैसे मान लो एक मैग्नेट को आप किसी आयरन के पास लेके आओगे, जैसे आयरन है ये, तो ये आयरन क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, खींचेगा। जबकि कोई एक सब्सटेंस जो कि हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके पास लेके आओगे तो अट्रैक्ट होने की जगह क्या होगा? वो कहेगा मेरे को तेरे पास नहीं आना है, मैं जा रहा हूँ। रिपेल होगा, अपोजिशन, दुश्मन। अब आप कहोगे सर हमने जिंदगी में तो ऐसा चीज़ देखा नहीं है, वीडियो में दिखाएंगे बच्चों आप लोगों को। ये प्रॉपर्टी देखो बच्चे बताते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि डे टू डे लाइफ में डायमैग्नेटिक में क्या होता है, वो सब्सटेंस होते हैं जो रिपेल करते हैं और अपोज करते हैं। कारण क्या होता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमने किसी चीज़ को ऐसा क्यों नहीं देखा है? कारण यह है कि डायमैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रांग नहीं होता, क्या होता है? वीक होता है। मतलब कि अगर रिपेल करता भी होगा तो इतना वीक करता होगा जो दिखाई नहीं दे।
आई बात समझ में? और अगर जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको समझ में आता है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो बात बराबर है। जैसे मान लो आप लोग बच्चे कहते हो हम बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बट आपके मार्क्स दिखाई नहीं देते हैं, तो अगर आपके मार्क्स दिखाई नहीं देते हैं तो मैं कहता हूँ पढ़ते ही नहीं हो, मतलब समझ में आया बच्चों? जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसको हम मानते हैं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? अच्छे, तो यहाँ पर नहीं बच्चे, फिर वो अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे मान लो आपके अगर दो चार मार्क्स आते हैं 20 में से, तो अगर दो चार आ रहे हैं तो कुछ तो पढ़ के ही आ रहे होगे ना, तो इसका मतलब, तो इधर इसका मतलब यही है कि अगर थोड़ा बहुत भी रिपल्शन हो रहा है, आप ऑब्जर्व ढंग से कर रहे हो, तो इसका मतलब अगर थोड़ा बहुत भी रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब कि एक्चुअली मैग्नेटिक बिहेवियर एग्जिस्ट करता है, बट उसको हमको देखना पड़ता है कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, इतनी आसानी से वो दिखाई नहीं देता है। आई बात समझे? डायमैग्नेटिक, आप लोग पूछोगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस एग्जांपल क्या होते हैं, देखो जी हमारे पास एक टेबल है बकायदा, यहाँ इसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल हैं हमारे पास विस्मिथ, कॉपर, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, वाटर एंड सोडियम क्लोराइड। अब अगर आप कहोगे कि सर हम कभी कोई वीडियो, ये आयरन बच्चे अट्रैक्शन करता है, तो पेज 9 पे बच्चों ये हमने नीचे एग्जांपल दिए हैं, इधर देखो, रुक जाओ बच्चे इधर देखो। हाँ अब देखो बच्चे, ये कुछ एग्जांपल हमने मेंशन किए हैं, तो आप कहोगे कि सर डायमैग्नेटिक कोई वीडियो अवेलेबल होगा, तो आप एक काम करो बच्चे, अगर आपको एनिमेशन में प्रॉपर वीडियो देखनी है फॉरन किसी फॉरन यूट्यूबर की, तो ढंग से डाल के देखो, वो आपको दिखाएगा कैसे डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, वाटर वगैरह जो भी है कैसे डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, बाकायदा वीडियो में आपको दिखाई देगा। बट ये है कि वो इतना कॉमन नहीं होता बच्चे, डायमैग्नेटिक इफेक्ट इतना कॉमनली दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो तो दिखाई देता है, वीक में दिखाई नहीं देता। सेम उसी तरीके से जैसे मान लो ये दोनों मार्कर, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है ना, मास है, बट ये क्या इजिली अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो ये वीक होने के चक्कर में उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ गया बच्चे? अब फिर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो अट्रैक्ट तो करते हैं, बट अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है। अब सेम केस है, अब देखो आयरन जो है, आयरन क्या पैरामैग्नेटिक में आएगा? नहीं, आयरन पैरामैग्नेटिक में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आयरन का अट्रैक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। क्या होता है? स्ट्रांग। तो कोई और सब्सटेंस अगर जो मैग्नेट के पास रखे, अट्रैक्शन तो हो बट क्या हो? वीक अट्रैक्शन हो, वो किस कैटेगरी में आता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जांपल एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, बहुत सारे होते हैं बच्चे, मतलब आप बहुत होते हैं, अभी हम डिस्कशन में नहीं जा रहे। देखो बच्चे, जितने भी आप एलिमेंट्स पढ़ते हो, जितने भी चीज़ें पढ़ते हो, उसमें से कोई डाया में आएगा, कोई पैरा में आएगा, कोई फेरो में आएगा ही आएगा, तो कितने सारे एग्जांपल बन जाएंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे समझ में आया, अट्रैक्शनों का वीक होगा, तो क्या इसको भी डेली लाइफ में इजिली ऑब्जर्व किया सकते? नहीं, क्योंकि बात मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, डेली लाइफ में इसलिए ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि अट्रैक्शन इतना वीक होगा जिसको आप इजिली डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसमें अट्रैक्शन होता है, मतलब अगर मैग्नेट के पास लाओगे तो अट्रैक्शन होता है, वो भी क्या होता है? स्ट्रांग होता है। जैसे आयरन, आयरन को मैग्नेट के पास लेके जाओगे, स्ट्रांग अट्रैक्शन शो करेगा, तो आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनके मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसा हमारे एनसीईआरटी में लिखा है। ऑल दो मैंने आयरन को तो अट्रैक्ट होते हुए देखा है, मैंने कोबाल्ट और निकल को मैंने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कभी कंडक्ट रियल लाइफ में किया नहीं है, निकल को, ठीक है? तो देखो अच्छा, ये इन्होंने बताया ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, तो इसका मतलब जितने भी नेचर में हम सब्सटेंस की बात करते हैं, हमारे रूम में जो भी सब्सटेंस है, वुड वुड ये भी जो भी है, लकड़ी, प्लास्टिक प्लास्टिक, ये किसी ना किसी एक कैटेगरी में एग्जिस्ट करेगा, डाया, पैरो या फेरो। समझे बच्चे? इस रूम में जितना भी सब्सटेंस है वो कोई ना कोई तीन में से एक कैटेगरी में फॉल करेगा, डाया, पैरा या फेरो। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कि डाया रिपेल करते हैं फील्ड से, मैग्नेट से, बट वीक रिपल्शन होता है। पैरा अट्रैक्शन करते हैं बट वीक अट्रैक्शन होता है। फेरो अट्रैक्शन करते हैं और स्ट्रांग करते हैं। अब बात ये भी आती है बच्चे, ये ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा क्यों है कि फेरो में ऐसा होता है, पैरा में ऐसा होता है, डाया में आता है? तो इसके अपने अपने रीजंस होते हैं, इसके अपने अपने रीजन बताएंगे बच्चे। आपने केमिस्ट्री का रीजन पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी रीजन बताएंगे आपको, अपने अपने रीजन होते हैं। अभी हम रीजन बताते हैं कि डाया ऐसा क्यों होता है, पैरा ऐसा क्यों होता है, फेरो ऐसा क्यों होता है, डाया, पैरा और फेरो, ठीक है? सबसे पहले बच्चों हम ये बेसिक तौर पर जानेंगे कि कोई भी एक सब्सटेंस
पैरामैग्नेटिज्म बिहेवियर किस तरीके से शो कर रहा है, थोड़ा सा डीप में, और फेरो क्यों कैसे शो कर रहा है और डाया कैसे शो कर रहा है, बाद में हम टेबुलर फॉर्म में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में तो बता ही दिया कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, फेरो क्या होते हैं, डाया क्या होते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जब जिसको मैग्नेट के पास रखो तो क्या शो करते हैं, वीक अट्रैक्शन शो करते हैं। जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास हम रखते हैं तो वीक फील्ड से कहां की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रांग फील्ड की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये हमने नोट्स में मेंशन किए, एनसीईआरटी की लाइन है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इच्छे, जैसे मान लो एक मैग्नेट है और हमने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस यहां रखा है, इसके पास रख दिया यहां पर, तो ये अट्रैक्ट होगा तो कुछ देर बाद यहाँ की जगह यहाँ आ गया। जो मैग्नेट है उसकी वजह से यहाँ पे या यहाँ पर कहाँ फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगी, यहाँ स्ट्रांग होगी, यहाँ स्ट्रांग, स्ट्रांग यहाँ पर होगी फील्ड, और वीक कहाँ होगी, वहाँ। तो ये जो सब्सटेंस है कहाँ से कहाँ मूव किया, वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड की तरफ, वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड की तरफ मूव किया, ठीक है बच्चे। तो ये जो सब्सटेंस है ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आखिर मुद्दा ये है कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस प्रकार से शो होता है। और इसमें एक चीज़ और जानने वाली है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्शन शो करते हैं बट वीक अट्रैक्शन होता है, वीक ही क्यों होता है उसका भी कारण बताते हैं। देखो अच्छा एक्चुअल में क्या होता है, इधर देखो, जैसे मान लो मैंने आपको बताया कि हर एटम जो होता है मैग्नेटिक होता है, हर एटम क्या होता है, मैग्नेटिक होता है। अब हर एटम मैग्नेटिक होता है तो फिर भी नेट इफेक्ट कई चीज़ों का देखा जाता है कि मैग्नेटिक नहीं है। जैसे मान लो ऐसे एग्जांपल हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने नाम ले लिया एल्युमिनियम का, नाम ले लिया एल्युमिनियम एक एग्जांपल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। नेचर ने हर चीज़ को मैग्नेटिक बनाया है, एल्युमिनियम भी मैग्नेटिक है, बट एल्युमिनियम तो नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कैसे शो करता है, नॉन मैग्नेटिक। अगर मैग्नेट के पास रखा जाए तो इतना स्ट्रांग अट्रैक्शन शो नहीं करता, या आमतौर पर अपने से किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता। देखो अच्छा एक्चुअल में क्या होता है, नेचर में हर एटम मैग्नेटिक होता है, बट अगर हम बात करें कोई एक सब्सटेंस की तो एक एटम से ज़्यादा एटम से मिलके बना होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मेटल की स्ट्रिप है, एक एल्युमिनियम मेटल की क्या है, स्ट्रिप है। अब इसके अंदर क्या एक एटम होगा या कई सारे एटम होंगे, बहुत सारे होंगे। किसी का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, किसी का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, किसी का मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, किसी का फील्ड इधर होगा, सभी का क्या होगा, रैंडम अरेंजमेंट में होगा। किसमें होगा, रैंडम अरेंजमेंट में होगा। अब ऐसा रैंडम अरेंजमेंट के होने के चक्कर में किसी का इधर किसी का उधर, तो सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन, आपस में एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। तो आमतौर पर एक मैग्नेट एक एल्युमिनियम को मैंने रखा हुआ है तो आमतौर पर नॉन मैग्नेटिक ही रहता है, क्योंकि उसमें जितने भी एटम्स होते हैं वो एक दूसरे की फील्ड को रैंडम होने के चक्कर में क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कोई इधर है, कोई किधर है, कोई किधर है, कंबाइन इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कंबाइन इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट क्या ये हमेशा जीरो रहेगा, नहीं। होता क्या है बच्चों, जब हम एल्युमिनियम को मैग्नेट के पास ला के रखते हैं तो कहानी में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। होता क्या है कि पहले ये नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर ही शो करता है, बट जैसे ही इसको किसी मैग्नेट के बीच में रख दो, जैसे मान लो मैग्नेट के बीच में रख दिया हमने, तो मैग्नेट बाहर अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें अंदर जो होते हैं धीरे धीरे जो एटम्स होते हैं वो अपनी ओरिएंटेशन करना चालू कर देते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में अलाइनमेंट चालू कर देते हैं, मतलब उसको दिशा मिलने लग जाती है कि भाई हमको अलाइनमेंट होने की जरूरत है। वेरी गुड, जैसे आप बैटरी लगाते हो तो इलेक्ट्रॉन एक प्रॉपर डायरेक्शन में चलना चालू कर देते हैं। जैसे इंडिया को आज़ादी करने के लिए जो लोग लीडर थे उन्होंने कहा कि हमें साथ मिलने की जरूरत है, हमें अलाइन होना है, इंडिया को आज़ाद कराना है, तो यहाँ पर ये अलाइनमेंट चालू कर देते हैं। जैसे ही एल्युमिनियम को आप फील्ड में रखोगे, तो थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लग जाता है, बट उसका मैग्नेटिक बिहेवियर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो अगर आप किसी स्ट्रांग मैग्नेट के पास एल्युमिनियम को रखोगे तो अट्रैक्ट तो होगा बट फिर भी इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। समझ में, थोड़ा थोड़ा बिहेवियर दिखाता है, अट्रैक्शन दिखाता है, उससे पहले तो बिल्कुल भी बिहेवियर नहीं होता। जब ऐसे ही पैर पड़ा हुआ है फील्ड में मैग्नेट के पास लाने के बाद थोड़ा मैग्नेटिज्म उसमें प्रोड्यूस
होना चालू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उनको पता होता है कि हमें अलाइन होना है, फील्ड में आ गए हम लोग, अलाइनमेंट चाहिए। जैसे मान लो इंडिया की जब आज़ादी नहीं थी, जो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने लोगों को डायरेक्ट किया, भाई हमें आज़ाद होने की ज़रूरत है, हमारे पे तानाशाही चल रही है, उन्होंने डायरेक्शन दी उसको, लोग उसी डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन हो गए। अब बात यहाँ आती है कि ठीक है पैरामैग्नेटिक और फेरामैग्नेटिक, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। देखो अच्छे, क्योंकि मेन बात है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इन दोनों में ऐसा क्या फ़र्क होता है कि इसमें अट्रैक्शन वीक होता है और इसमें स्ट्रांग होता है। देखो अच्छे बताते हैं, अगर हम पैरा और फेरो की बात करें तो आप मेनली फर्क यही समझ सकते हो कि बाकी पहली 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 लाइन तो ये हो जाएगा, वीक अट्रैक्शन की जगह क्या हो जाएगा, स्ट्रांग अट्रैक्शन हो जाएगा पैरों में, और सेकंड लाइन तो सेम एज इट इज सेम ही रहेगी। अब कहानी आती है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी कहानी में फ़र्क क्या होता है। देखो यार, इसमें क्या होता है और फेरो में क्या होता है, फेरो में जो एटम्स होते हैं वो एक ग्रुप बना के रहते हैं, डोमेन, एक डोमेन में रहते हैं, ग्रुप बना के डोमेन। अब ये ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लो कई सारे एटम्स हैं, सभी की मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, कई सारे ऐसे हैं सभी की राइट साइड है, कई सारे हैं सभी की डाउनवर्ड है, ग्रुप के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें भी फिलहाल नेट मैग्नेटिज्म क्या है, फिलहाल अभी भी क्या है, इसमें जीरो है, स्टार्टिंग में इसमें जीरो था, इसमें भी जीरो है। बट इसमें क्या होता है, जैसे मतलब एक आयरन है, जब तक उसको मैग्नेट के पास नहीं लाओगे तब तक उसमें कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं होता है, पर जैसे ही मैग्नेट के पास लाते हैं तो ग्रुप होने के चक्कर में, ग्रुपिंग होने के चक्कर में उसमें अलाइनमेंट क्या हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है, फास्ट अलाइनमेंट हो जाती है, मतलब पूरे के पूरे ग्रुप के ग्रुप एक साथ अलाइन हो जाते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप अलाइन होने चालू हो जाता है, फास्ट अलाइनमेंट होती है। उससे क्या होता है कि जैसे ही उसको मैग्नेटिक फील्ड में लाते हो, इसके अंदर स्ट्रांग फील्ड, मतलब स्ट्रांग ओरिएंटेशन चालू हो जाती है और स्ट्रांग अलाइनमेंट हो जाती है, इसके अंदर स्ट्रांग फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है खुद के अंदर, तो इसलिए इसका अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अब कई बार बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि ग्रुप का क्या सिस्टम है और इंडिविजुअल का सिस्टम यही है। देखो अच्छा, एकता में शक्ति है, एकता में शक्ति है, मतलब आपके पास ग्रुप बन, हाँ जैसे मान लो एज एन एग्जाम्पल इस बच्चे की लड़ाई हो जाए ऐसे, तो ये अगर इसको 100 बंदे बुलाने हो, एक एक बंदे को कॉल करता रहे तो बहुत देर हो जाएगी, पिट पिटा जाएगा तब तक। अब मान लो इसके 10 ग्रुप हो, एक ग्रुप के एक लीडर को कॉल किया, एक ग्रुप के एक लीडर को कॉल किया, 10 बंदों को कॉल किया, 100 बंदे जमा हो गए, किस में ज़्यादा फायदा है, ग्रुप वाले में फायदा है, 10 बंदे को कॉल मिलाया, 100 बंदे आ गए, उसमें 100 बंदों को कॉल मिलाते मिलाते पिट जाएगा इतनी देर तक, तो आई बात समझ में। तो बात यही है कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसमें जो एटम्स होते हैं ग्रुप में होते हैं, किस में होते हैं, ग्रुप में, ग्रुप की फॉर्म में पहले से एग्जिस्ट करते हैं, और जब अलाइनमेंट होती है पूरा का पूरा ग्रुप भी अलाइन हो जाता है। हाँ बच्चे, ग्रुपिंग का रीज़न इंटरनल होता है, ये बच्चे बहुत डीप रीजंस होते हैं जो अंदर केमिस्ट्री वेमिस्ट्री में आप स्टडी करोगे, ठीक है, ठीक है, क्या इसका डीप मीनिंग डीप होता है, फिलहाल हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है। इधर देखो बच्चे, तो ग्रुप अलाइनमेंट में बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे मान लो इंडिया की आज़ादी थी तो जब सुभाष चंद्र बोस का जी का ग्रुप एक साइड आ गया, इनका बाकी आज़ादी के ग्रुप सारे के सारे ग्रुप एक साथ जुड़ गए तो देश को आज़ाद करना आसान था, तो ग्रुप से काफ़ी असर पड़ जाता है, एक एक बंदा सिर्फ कुछ भी कर ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में बच्चों। अब बात ये आती है अच्छी, यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, चाहे आप पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लो चाहे फेरो लो, जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में नहीं थे तब तक वो मैग्नेटाइज नहीं थे, मतलब वो अलाइनमेंट नहीं थी, अलाइनमेंट मतलब ऑरिएंटेशन नहीं थी, बट जैसे ही फील्ड आई इनमें अलाइनमेंट चालू हो गई, क्या हो गई, अलाइनमेंट। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही फील्ड में वो आते हैं उनमें अलाइनमेंट हो जाती है तो खुद भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, खुद भी मैग्नेटाइज। जैसे मान लो इंडिया की जब आज़ादी हो रही होगी तो एक आम बंदा होगा, उसको पता नहीं होगा कि इंडिया को आज़ाद कराना है, उसको किसी ने वो कहा इंडिया को आज़ाद कराना है, उसको जोश चढ़ गया, अब वो भी एक मोटिवेट हो गया, तो बेसिकली क्या हो गया, वो मैग्नेटाइज हो गया, वो भी एक कैटलिस्ट का काम करेगा, वो भी 100 लोगों को जाके बताएगा। तो होता क्या है बच्चे, अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो ये हमने इसको मैग्नेटाइज किया, मतलब इसको फील्ड में रखा, जब हम किसी चीज़ को फील्ड में रखते हैं तो हम उसे कहते हैं हमने उसको मैग्नेटाइज करने की कोशिश की, मतलब उसको ओरिएंट करने की कोशिश की, ओरिएंट अलाइन करने की कोशिश की, मतलब मैग्नेटाइज करने की कोशिश की। अब कई बार क्या होता है कि जब हम उसे मैग्नेटाइज करने की कोशिश करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन टेम्परेरी होता है और कई बार मैग्नेटाइजेशन परमानेंट होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखो जैसे मान लो मैंने आपको एक घंटा भाषण दिया, मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया,
अगर मेरा भाषण टेम्प्रेरी हुआ तो घर जाते ही आप वही जिस काम में लगे हो लग जाओगे। अगर परमानेंट असर हो गया तो मान लो मैंने एक दो आपको खड़ी खोटी सुना दी, आपको बात हमेशा ध्यान में रहेगी, दिल में लगेगी और आप उस बात को हमेशा के लिए क्या कर लोगे, उस इन्फॉर्मेशन कैच कर लोगे। अब ये परमानेंट मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये सब्सटेंस था, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कैसा है फेरो। अब इसको ये पहले मैग्नेटाइज नहीं था क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे अलाइनमेंट रैंडम थी। अब हमने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, सारे के सारे इसमें जो एटम्स की मैग्नेटिक फील्ड है अलाइन हो गई, मैग्नेटाइजेशन हो गई। अब इसको बाहर निकालोगे तो दो बात हो सकती है, या तो ये वापस ऐसा ही हो जाए, कैसा हो जाए जैसा पहले था, या तो ऐसा हो सकता है कि ये हमेशा हमेशा मैग्नेटाइज ही रह जाए, हमेशा ऐसा ही रह जाए, चाहे फील्ड बंद भी कर दो तो भी ऐसा ही रह जाए। अब इस दो बात में ऐसा हो सकता है कि अगर ये बात फिर से हो जाती है तो ये फिर से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज होने के बाद वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, अरे पहले ओरिएंट हुआ आपने अलाइन किया फिर से वापस वैसे ही हो गया। बट अगर ये परमानेंटली अलाइन हो गया तो जब ये बाहर निकलेगा तो ये खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा, खुद भी एक मैग्नेट बन जाएगा। इसका क्या मतलब है, आपके पास कोई एक मटेरियल है, आपने उसको मैग्नेट फील्ड में डाला, ऐसे भी डाल सकते हो, सोलेनोइड के अंदर भी रख सकते हो। किसके अंदर, सुन, फील्ड दो तरीके से प्रोड्यूस की जा सकती है, इस मैग्नेट से और एक सोलेनोइड से। ऐसे सोलेनोइड रखा है उसमें आपने इंसर्ट कर दिया इसको फील्ड। अब अगर वो सब्सटेंस बाहर निकला और वो परमानेंट मैग्नेट बन गया तो उसका मतलब परमानेंटली मैग्नेटाइज हो गया। अब देखो अच्छे, आप लोगों को हमने वीडियो भेजी थी उसमें हमने सिल्वर कलर के मैग्नेट देखे, और इवन जो आप बचपन में जो उछालते थे मैग्नेट, हमने देखा होगा उछालते थे चिपक जाते थे, या लेडीज पर्स में जो मैग्नेट होते हैं, लेडीज पर्स या फिर जो मेल पर्स के अंदर जो मैग्नेट होते हैं बंद बंद करने वाले, वो जो मैग्नेट होते हैं सिल्वर कलर के होते हैं। कौन से कलर के होते हैं, सिल्वर। वो मैग्नेट नेचुरल मैग्नेट नहीं होते, नेचुरल मैग्नेट काले कलर का होता है, सिल्वर मैग्नेट मैग्नेटाइज करके बनाया हुआ मैग्नेट होता है। कैसा मैग्नेट होता है, मैग्नेटाइज। जो आपने वीडियो में मैग्नेट देखा सिल्वर कलर का, वो क्या आपको लगता है काले काले कलर का था, काले कलर का जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेटाइट होता है, Fe2Fe3O4 शायद ये होता है मैग्नेटाइट। और तो देख लेना बच्चे, मुझे ध्यान नहीं है, इसके दो और होते हैं, Fe2O3 होता है, शायद दो और होते हैं ऐसे, एक मैग्नेटाइट होता है इनमें से, ठीक है। जो मैग्नेटाइट और होता है मैं उसकी बात करूं, ठीक है। तो अब एक्चुअल में क्या है बच्चे, वो जो काले कलर का मैग्नेट है वो तो था नहीं ना वीडियो में, तो नेचुरल मैग्नेट तो था नहीं, तो वो कैसा मैग्नेट था, वो मैग्नेटाइज करा के बनाया हुआ मैग्नेट था। नहीं बच्चे, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाता है वो बिल्कुल, जो सिल्वर कलर का मैग्नेट है परमानेंट मैग्नेट बन ही गया, वो मैग्नेट हमेशा के लिए लगभग बन ही गया। आई बात समझ में, जैसे मान लो आपको क्या लगता है भगत सिंह वगैरह भाई फ्रीडम फाइटर कैसे बन गए, कि अपने आप उनको अंदर से आया, नहीं, वो भी किसी भाषण में गए होंगे बड़े फ्रीडम फाइटर में और वहाँ मैग्नेटाइज हो गए होंगे, क्या हो गए होंगे, मैग्नेटाइज। फिर बाद में जब वो मैग्नेटाइज हो गए, मतलब इन्फ्लुएंस हो गए उनकी बातों से, तो वो क्या बन गए, परमानेंटली फ्रीडम फाइटर बन गए। इधर देखो अच्छे, ऐसा भी होगा कि जैसे मान लो कोई बड़ा फ्रीडम फाइटर भाषण देता होगा, कई लोग आते होंगे वहाँ तक, तो उनको लगता होगा हाँ हमें आज़ादी चाहिए, बाहर निकलते कहते होंगे कौन सी आज़ादी, मतलब डीमैग्नेटाइज हो जाते होंगे। आई बात समझ में, तो जब हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करते हैं तो उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और सॉफ्ट। फिलहाल इस सिलेबस में नहीं है, अब हट गया है। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तब तक मैग्नेटाइज रहते हैं जब तक अंदर रहते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं तो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। बट अभी हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, बट ध्यान रखना कुछ कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैग्नेटाइज रहते हैं, बाहर निकलते डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, और कुछ कुछ सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गए तो बाद में भी हमेशा हमेशा क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। समझ में, जो सिल्वर कलर के मैग्नेट आपने देखे थे वीडियो में, वो उन्हीं सब्सटेंस से बनाए गए थे कि जिसको एक बार फील्ड में रखा गया, एक बार मैग्नेटाइज कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो ठीक एग्जांपल मैंने पहले भी आपसे बताया था कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनके जो पेचकस होते हैं, स्क्रू ड्राइवर होते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, वो मैग्नेट के पास कुछ दिन तक रखते हैं और वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इवन आप अपने पास का जो एक रुपए का सिक्का है उसको मैग्नेट के साथ कुछ दिन तक रखो तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, परमानेंटली मैग्नेटाइज। अच्छा क्या कह रहे हो, दूसरों की जेब से सिक्के चुराओगे। आयरन भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है
और मैग्नेटाइट ओर, जो काले कलर का मैग्नेट होता है वो क्या होता है, मैग्नेटाइट ओर, वो भी परमानेंट मैग्नेट होता है। आयरन जो होता है वो तो अपनी तरफ किसी चीज को नहीं खींचता है आमतौर पर, बट मैग्नेटाइट जो काले कलर का मैग्नेट होता है वो तो खींचता है। ऐसा क्यों? दोनों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। देखो अच्छे, जो मैग्नेटाइट होता है उसके अंदर ना इनिशियल स्टेजेस में ही, जैसे ही उसका जो ओर फॉर्मिंग होता है उसके अंदर अलाइनमेंट रहती है, मतलब उसके अंदर पहले से ही क्या रहती है, मैग्नेटाइजेशन रहती है। जब आपने खुदाई की, ओर निकाला, जो उसका ओर फॉर्म होता है, ओर फॉर्म मतलब पता है ना, ओर जो कंबाइंड फॉर्म होता है, जब जैसे आयरन जो है वो कभी भी आपको पता होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन जो है एक रिएक्टिव मेटल होता है, तो आयरन आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो जब वो अपने ऑक्साइड फॉर्म में मिलता है, जमीन में मिलता है, ओर फॉर्म में मिलता है, तो तभी वो मैग्नेटाइज होता है, तो तभी क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। बट आयरन की बात करें तो आयरन आमतौर पर मैग्नेटाइज नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है। आयरन भी मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा, मतलब वो जैसे हमने बताया मैग्नेटाइट की तरह बिहेव करेगा, बट आयरन में क्या होता है, इनिशियली आप उसको मैग्नेटाइज करने की जरूरत रहती है। एक बार आयरन को मैग्नेटाइज कर दो आप, उसके बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे, जो काले कलर का मैग्नेट है और आयरन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अभी आपने वीडियो देखा तो सही, सिल्वर सिल्वर कलर का मैग्नेट क्या था, वो आयरन था। क्या था? आयरन। आयरन को मैग्नेट बनाया था, सिल्वर कलर का मैग्नेट था यार, वो आयरन को मैग्नेटाइज करके बनाया था। देखो अच्छा, आयरन भी फेरोमैग्नेटिक होता है, सुनो मेरी बात को। नॉर्मल जो सिंपल एलिमेंटल आयरन होता है, कौन सा आयरन, एलिमेंटल मतलब सिंपली आयरन, वो भी आयरन होता है, और ये जो होता है ब्लैक कलर का, ये भी आयरन होता है, बट आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड। उसमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन होता है आयरन, नॉर्मल आयरन में तो नहीं होता। नॉर्मल आयरन किसी आयरन को खींचता अपनी तरफ? नॉर्मल आयरन में क्या होता है, ऐसी अलाइनमेंट नहीं होती। उसको एक बार मैग्नेटाइज कर दो तो उसके बाद वो हमेशा हमेशा क्या हो जाता है, मैग्नेट बन जाता है। फिर अगर आपने एक बार आयरन को मैग्नेटाइज कर दिया, तो चाहे आप काले कलर का मैग्नेट रखो चाहे आयरन रखो, दोनों क्या है, एक ही चीज है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आई बात समझ में इन दोनों? चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं, पैरा डिस्कस करते हैं। चलिए, आपने कहा था आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। देखो अच्छे, पैरा और फेरो के बाद डायमैग्नेटिक की बात करते हैं। इधर इधर देखो, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जिनको हम मैग्नेट के पास रखते हैं, रिपेल करते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बताएगा? पास से दूर जाते हैं। जैसे आप मैग्नेट के पास रखोगे किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो पास से कहाँ जाएगा, वो दूर की तरफ जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। तीसरा ये देखो अच्छे, कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो क्यों करता है, उसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन लेंज लॉ से समझते हैं। तो फिलहाल अभी आप थ्योरी में देख लेना, ऐसे ही हम बाद में समझा देंगे इसको, लेंस लॉ में समझाएंगे, लेंस लॉ में क्या होता है, ईएमआई के अंदर। ठीक है, अब हम इसका टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अच्छे, ससेप्टिबिलिटी को लेके एग्जामिनेशन में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनेशन में या सीयू सेट वगैरह में आप जब कभी पेपर दोगे तो ऐसा होगा कि कोई एक सब्सटेंस है, उसकी ससेप्टिबिलिटी है माइनस हाफ, वो कौन सा सब्सटेंस होगा और उसके बारे में डिटेल में बताओ। तो माइनस हाफ है तो उसका मतलब वो जो मटेरियल है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और माइनस का मतलब ये है कि वो जो मैग्नेटाइज होगा वो रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी पे। तो जैसे पैरा फेरा डायो की बात करते हैं, तो इनकी रिलेटिव परमेबिलिटी भी अलग अलग होती है। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंडली। मैंने बताया था ना रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो सब्सटेंस जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होती है मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंडली होते हैं, जिनकी रिलेटिव परमेबिलिटी लो होती है मैग्नेटिक फील्ड फ्रेंडली नहीं होते हैं। अब रिलेटिव परमेबिलिटी की अगर हम बात करें इसकी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, तो इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, और जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। इसका मतलब क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी रिलेटिव परमेबिलिटी 0 से 1 है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है रिलेटिव परमेबिलिटी जो होती है वो एयर के कंपैरिजन में निकाली जाती है। जितना एयर मैग्नेटिक फील्ड के फ्रेंडली होती है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उससे भी कम फ्रेंडली होता है, मतलब उससे भी उल्टा, एयर से ज़्यादा, एयर जितना सपोर्ट करती है फील्ड को उतना भी सपोर्ट
नहीं देता है। अगर हम ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव परमिबिलिटी के बीच में रिलेशन देखें तो ये रिलेशन होता है। तो बच्चे ये रिलेटिव परमिबिलिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब बस आखिरी टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखो बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप हीट करो तो उसकी प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक रहेगा। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हीट करो, क्या करो हीट, तो उसका मैग्नेटाइजेशन कम हो जाता है, और फेरो को हीट करो तो उसका मैग्नेटाइजेशन कम हो जाता है, और कम होकर वो क्या बन जाता है, पैरा बन जाता है। अगर फेरो को हीट करो तो क्या हो जाएगा, एक टाइम बाद वो क्या बन जाएगा, पैरा बन जाएगा। और पैरा को भी हीट करो तो उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस यहीं तक है बच्चे।